सवाल राकेश त्रिपाठी जी आपसे है, और ये सवाल फायर राउंड वन में मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि किसमें किसकी आत्मा योगी के निशाने पर जिन्ना क्यों है आज? कि जिन्ना के जीवन को हम जानते हैं कि जिन्ना के मजहबी परस्तियों की नीतियों के कारण ही इस देश का विभाजन हुआ। ना सांप्रदायिक सद्भाव को इस प्रकार से तोड़ते, ना मजहबी भावनाओं को इस तरह से उभारते कि भारत का विभाजन होता। और आज हम देश के भीतर हम देख रहे हैं कई नेताओं को जो आज जातीय उन्माद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक वैसे ही कि जिस तरह से जिन्ना ने पैदा किया था और देश का विभाजन हुआ था। आज समाज टुकड़े टुकड़े में कैसे टूट जाए, समाज में कैसे विभाजन हो जाए, विशेष करके हिंदुओं के भीतर कैसे विभाजन हो जाए, इसके लिए लगातार जाति विभाजन की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। और वही मजहबी गोलबंदी करने का भी काम कर रहे हैं, ठीक वैसे ही मजहबी गोलबंदी जैसे जिन्ना ने की थी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जिन्ना की आत्मा, वो जो जिन्ना की कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना, वो सारी आज विपक्ष के तमाम नेताओं में दिखाई पड़ रही है, जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए हर स्तर तक जाने को तैयार है। जाति में बांट दो, मजहब के आधार पर गोलबंद कर दो, समाज को खंडित कर दो, किसी भी तरह से देश का नुकसान कर दो, लेकिन मेरा अपना लाभ हो जाना चाहिए, मेरी अपनी सत्ता आ जानी चाहिए। यह प्रवृत्ति इस देश के लिए बहुत घातक है, देश के लिए खतरनाक है। जूही सिंह जी, आपका काउंटर। जी नविका जी, जिन्ना को श्रद्धांजलि देने भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण अडवाणी गए थे, तो शायद हमारे मित्र को इतिहास पढ़ लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक बच्ची को निवस्त करके उसकी परेड की गई, कथित तौर से रेप किया गया। इनके भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोगों ने किया, जो बहुत बाद में सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जब बात उठी, इन्हीं का विश्वविद्यालय है, तब तक भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कोई एक्शन नहीं। साथ ही हम आज फरुखाबाद की घटना देख रहे हैं, दो बच्चियों के शव लटकते हुए पाए गए, उनकी मौत हो गई, उनका परिवार उस पर आवाज उठा रहा है, वो निष्पक्ष जांच के ऊपर सवाल उठा रहा है। ऐसी ही एक घटना, मापदंड एक होना चाहिए, बदायूं में हुई थी, तब राकेश त्रिपाठी बहुत वोकल थे, आज कैसे सरकारी पक्ष जो है इनको प्रमुखता से दिखाई देने लगा। उत्तर प्रदेश में हिंसा, घरेलू हिंसा, मैंने पहले भी कहा, इन सबको रोकने के लिए हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 1090 डायल 100 महिला सम्मान प्रकोष्ठ, रानी लक्ष्मीबाई कोष, आशा ज्योति केंद्र, फास्ट ट्रैक कोर्स की स्थापना की और अन्य योजनाएं की। मुख्यमंत्री कोष से सीधे अगर कोई सर्वाइवर होता था बलात्कार का, और होती थी, और एसिड अटैक विक्टिम्स जो थे उनके खाते में सीधा पैसा जाता था। आप बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं? वर्तमान में रहिए, महिलाओं को सुरक्षा दीजिए। आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ में घटनाएं निरंतर हो रही हैं, लूट की, हत्या की, छेड़खानी की। आपने जो सिस्टम से, जो आधारभूत ढांचा था जिनसे ऐसे अपराध रुकते थे या रोकने की एक सार्थक प्रक्रिया थी, प्रयास था, उनको आपने डिसेबल कर दिया, 1090 को आपने डिसेबल कर दिया। तो मायावी बातें मत करें। आज जो है हम सब संविधान के तहत जीते हैं, संविधान हमारा आधार है, सभी भारत के नागरिक हैं, तो इसमें जिन्ना और अन्य देश पाकिस्तान कहां से आ गया? लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, जिन्ना की बात तो समझ में आ गई, ये लाल टोपी काले कारनामे से क्या मतलब था योगी जी का? देखिए, लाल रंग का स्वाभाविक तौर पर, लाल रंग को लोग खतरे का निशान मानते हैं, लाल झंडी दिखा देने पर ट्रेन रुक जाया करती है, खतरा महसूस होता है कि लाल का मतलब यहां खतरा है। उत्तर प्रदेश के निवासी लाल टोपी को खतरा मानते हैं कि जहां पर लाल टोपी लगाए कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता दिखाई पड़ रहा है, समझिए यहां कहीं अराजकता होगी, यहां कहीं हल्ला बोल होगा, यहां कहीं अपराध होगा, अपराधियों का संरक्षण होगा। और ये उत्तर प्रदेश ने लंबे समय तक देखा है, सत्ता में रहते हुए लाल टोपी का आतंक कैसे रहा है, और सत्ता के बाहर रहते हुए भी, आज सत्ता में नहीं है उसके बावजूद कैसे समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष एक अति पिछड़ी जाति की एक मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप करता है, और समाजवादी पार्टी के नेता उसका बचाव करते हुए डीएनए जांच की मांग करते हैं, नार्को टेस्ट की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी का एक और नेता नवाब सिंह यादव, जो कन्नौज का है, जिससे पल्ला झाड़ने का ये प्रयास करते हैं, किस तरह से वो नंग धड़ंग स्थिति में पकड़ा जाता है। तो समाजवादी पार्टी के लाल टोपी के काले कारनामे किसी से छुपे नहीं है। गायत्री प्रजापति के मॉडल से लेकर के नवाब सिंह यादव तक का मॉडल, और लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, इस तरह की सर्वनाश स्वीकारोक्ति का मॉडल, ये उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि इस लाल टोपी के काले कारनामे उत्तर प्रदेश को कितना पीछे लेकर के गए हैं। अयोध्या कन्नौज नजर आ रहा है, लेकिन आपको फारुखाबाद नजर नहीं आ रहा, क्या फारुखाबाद में हाथरस पार्ट 2 हुआ है? इसका जवाब भी तो आपको देना चाहिए राकेश त्रिपाठी जी। बिल्कुल
बिल्कुल जवाब दूंगा और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, जवाबदेही के साथ। देखिए कहीं भी मृत्यु होती है नविका ना, तो मृत्यु एक इरेपरेबल लॉस होता है। हम जो मृत्यु में जो मर चुका है उसको वापस नहीं ला सकते हैं, कम से कम उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक तो न रगड़े। जिस तरह से फर्रुखाबाद को लेकर के घृणित राजनीति की गई है, कम से कम पिता की बात सुननी चाहिए। जानबूझ करके एक फेक नैरेटिव क्रिएट करना शुरू कर दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कह रही है, फॉरेंसिक एविडेंसेस क्या कह रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है, इन सारी बातों को देखना चाहिए। राकेश जी क्या उनके पिता अपनी बेटियों के प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं? आप भावनाओं को भड़का करके आप किसी से एक नैरेटिव कहने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं राकेश जी, आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा नहीं है, आप कोर्ट में चैलेंज करिए, आपके पास विकल्प है। उनका बिना दिखाए नहीं, विकल्प है आपके पास। जो हुई किसी बच्चे की मृत्यु हुई है, बच्चे की मृत्यु पर इस तरह से राजनीति की रोटी मत सेकिए। बच्चे की दुखद मृत्यु पर आप मरहम नहीं लगा सकते, तो नमक मत रगड़िए। उम्मीद नहीं थी आप बताइए बीएचयू की घटना में। नहीं, शर्म तो आपको आनी चाहिए ना। मासूम बच्चियों की मृत्यु पर आपको राजनीतिक सत्ता दिखाई पड़ने लगती है, शर्म नहीं आती है? आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखना चाहती हैं, आप मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखना चाहते हैं, आप परिस्थिति जनित साक्ष्य नहीं देखना चाहते हैं, आप वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं देखना चाहते हैं, आप फॉरेंसिक एविडेंसेस को दरकिनार करना चाहते हैं? ये किस कीमत पर सत्ता पाने के लिए किसी स्थिति में चले जाएंगे? किसी चिता पर हाथ तापने लगेंगे? आप जाकर हाथ सेकने लगेंगे? ये बच्चियों की चिता है, आपके लिए सत्ता बनाने का साधन नहीं है। ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है त्रिपाठी जी, ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है। बच्ची की माता जी ने कहा कि बच्ची के शरीर पर चोट के निशान थे। उनके पिताजी रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि ये मर्डर हो सकता है। कल उनका बयान कुछ था, आज कुछ और है, दबाव डाला जा रहा है परिवार पे, ये सारे आरोप लग रहे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि जो सरकार इतना कुछ बोलती है, ऑफिशियली बोलती है, वो आज ये बताएगी कि फर्रुखाबाद में सुसाइड हुआ या मर्डर, रेप हुआ या नहीं हुआ? इस पर दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं हो रहा? देखिए नविका, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस पूरे मामले में एक पैनल पोस्टमार्टम हुआ है, डॉक्टर्स के पैनल ने किया है, जिसकी वीडियोग्राफी हुई है, इसमें विसरा प्रिजर्व किया गया है, तमाम प्रकार के वैज्ञानिक साक्ष्य सामने लाए गए हैं, मेडिकल रिपोर्ट सामने हैं, और ये सारी बातें प्रथम दृष्टया इस बात की ओर इशारा कर रही है कि इस पूरे मामले में सुसाइड दिखाई पड़ रहा है। बावजूद इसके कि इसी प्रकार की कोई संभावना अगर दिखाई पड़ती है, कोई साक्ष्य किसी के पास है, जूही जी के पास अगर कोई साक्ष्य है, तो ये साक्ष्य प्रस्तुत करें। उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ इसका अन्वेषण करेगी, और जो तथ्य निकल करके आएंगे। कोई तथ्य है, आप सुसाइड थ्योरी को अगर काउंटर कर रही हैं, तो कोई तथ्य है इस मामले पर? क्या राजनीति जरूरी है या उस बच्ची के लिए इंसाफ? नविका जी, उनके परिवार ने प्रश्न उठाए हैं, ना हम इस पर राजनीति करते हैं बलात्कार पे, बीएचयू जैसे मसले पर भी हमने इंतजार किया जब तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रिपोर्ट पब्लिक नहीं कर दी। आज राकेश त्रिपाठी उन्हीं अधिकारियों के बात पर कह रहे हैं कि फोरेंसिक जांच हो गई, सब खुलासा हो गया, और उनके पिता और माता जो बोल रहे हैं उनको ये कह रहे हैं कि वो साजिश कर रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी का क्या पक्ष है, ये आप मुझे बता दीजिए। और हमारी जिम्मेदारी